हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक तो मैं उठी लेट हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ। मैंने घर में सफाई वाई तो सारी कर दी रूम्स की, तो अब पानी बना रह गया है तो वो मैं भरती हूँ। तो पानी अभी आया नहीं है तो मैं ऊपर से खोल के आती हूँ। तो देख के आती हूँ एक बार ऊपर से खुला या नहीं खुला। पीने का पानी हमें बाहर से भरना पड़ता है, वैसे तो पानी अंदर आता ही है। देखो यहाँ पे बंद था, इसको खोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग दिव्यांशी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मैं पानी भरती हूँ। ये नल तो ऐसी आवाज करे जैसे उसका पेट खराब हो गया होगा। आ गया। ये क्या सीन है भाई, लाइट चली गई है, पानी भी चले गया है और हमने अभी पीने का पानी नहीं भर रखा है। आज मैं बना रही पुदीने की चटनी। मेरा पुदीना, तो ये पुदीना मैंने तोड़ दिया है। आजकल कितनी ज्यादा घास हो रही है। कल मयूर लोगों ने घास पे एक सांप देखा, चाची लोगों ने, मयूर ने एक बार मुझे सांप ने काट भी दिया। तो जब मैं 7th क्लास की थी उस टाइम पे सांप ने मुझे काट दिया था। हम लोग खेलने के लिए जा रहे थे नीचे ग्राउंड में। एक तो मेरा घर गाँव में है, तो गाँव में तो फिर घास वास ज्यादा होती है। तो फिर कुछ देर तक हम लोग खेलने में लगे थे, फिर एक अम्मा आई, उन्होंने उनको हमने बताया कि सांप ने काट दिया करके। मतलब जैसे चींटी काटती हल्का सा ऐसे पिंच करती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और मतलब ऐसा कोई नहीं कि खतरनाक वाला दर्द, कुछ दर्द दर्द नहीं हुआ। तो फिर अम्मा को हमने बताया कि मुझे सांप ने काट दिया और हम ना खेल रहे थे वहीं पे। तो अम्मा ना घबरा गई बहुत ज्यादा। फिर अम्मा ने मुझे कहा कि फटाफट से घर जा और अपनी मम्मी को बता। तो फिर मैं फटाफट से घर गई और उसके बाद मैंने मम्मी को बताया। तो फिर मेरी मम्मी ने पैर में रस्सी बांध दी थी और एक बुबू थे हमारे बगल में, कोई बहुत बुजुर्ग थे, तो उन्होंने ना ब्लेड से वहीं पे निशान किया ऐसे। और एक पहाड़ में पाती कहते हैं उसको, बहुत कड़वी होती है, तो वो मुझे पता नहीं क्यों खिलाई। तो उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। हमारे गांव में ना थोड़ी चढ़ाई है, तो मैं इतनी स्पीड में भाग रही थी, मेरी मम्मी पीछे से आ भी नहीं पाई और डर के मारे वैसे भी नहीं आ पा रही थी। तो फटाफट से फिर मम्मी आई और फिर हम लोगों ने गाड़ी बुकिंग करी। उस टाइम पे हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी और फिर हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल जाने तक का मेरा पैर का जो जहाँ पे सांप ने काटा था वो ना हल्का सा नीला पड़ गया था। तो फिर उसके बाद मुझे एडमिट कर दिया था और अगले दिन मैं घर आ गई। मतलब जो भी है सब कुछ सही रहा। ये जैमी बिस्किट खाने लग गया सुबह सुबह, वो भी मीठे बिस्किट खा रहा। अच्छा, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है ना? हाँ, खुजला रहा था। इसको नॉनवेज तो पसंद होता ही होता है सबको, और बाकी इसको लेस पसंद है और क्रैक्स पसंद है। इसको नमकीन बिस्किट पसंद है, नमकीन और मीठे दोनों पसंद है, और लेस पसंद है, और ये चॉकलेट भी खाता है। मैं हमेशा दवाई खाना भूल जाती हूँ, जब नाश्ता करने का टाइम होता है तभी मुझे याद आता है अचानक से। खैर, आज पता नहीं कैसे याद आ गया। लाइट आ गई थी तो मैंने पानी भर लिया था। तो अभी मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ढोकला बना रही है। इधर ढोकला बन के तैयार हो चुका है, एक शिफ्ट तैयार हो गया है, एक शिफ्ट बनेगी। और देखो दिव्यांशी, देखो नाक के अंदर दाना डाल दे, आराम से निकालना। कुबद्री लड़की, देखो कुबद्री लड़की है ये, बहुत ही कुबद्री। ऊपर से दबाओ मम्मी। हाँ, दबा रही। ऊपर ना जाए ना, ऊपर खिसकेगा नहीं जरा। ये क्रैक्स में आया था, ये इसने अपने नाक में डाल दिया है। दरी लड़की ब्लॉग भी बन गई। ये देखो ये कितना बड़ा डाल रखा था। अगर नाक के अंदर फंसता है ना इसे पता चलता। अब मत करना बेटा, ओके ओके। हाँ, मैंने ना क्रैक्स कहीं छुपा रखे हैं, तो आपको जो ढूंढना है कहाँ रखे हैं जरा ढूंढना। छुपा दिए हैं इनने जो क्रैक्स को। देख लिए नो no. बाकी तीन मेरे, एक आपका, ओके तो अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं और मैं भाभी का राशन लेने के लिए जा रही हूँ, मतलब जो प्रेगनेंसी में मिलता है आंगनबाड़ी में। तो भाभी तो है नहीं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ वहाँ पे चाची के साथ। चाची जा रही है दिव्यांशी का लेने के लिए। यहाँ देखो वैक्सीन वालों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। अब हमारा नंबर आएगा 3 महीने बाद। आपको तो लग गई ना चाची दो वैक्सीन? हाँ, ये है यहाँ का आंगनबाड़ी। हेलो, देखो कितने सारे छोटे बेबी आ रखे हैं यहाँ पे। क्या लेने आए हो? दलिया लेने आए हो? दलिया खाओगे? दलिया चलो, दिव्यांशी का वेट नापते हैं। दीदी चलो, किलो दो ना।
17 से थोड़ा आगे यहाँ पे हाइट ना पेगी ओके क्या 90 सेंटीमीटर उठाओ इसको आप उठा सकते हो ये देखो उठा दिया अरे बाप रे बाप तो अभी हम लोग राशन लेके आ गए ये है बाबू जिम्मेदार का स्कूटर दिव्यांशी थक चुकी है यहाँ पे दिव्यांशी मेरे पीछे पीछे आ रही है और दिव्यांशी को थकाई लग गई है और धूप भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है तो अच्छा है आंगनबाड़ी बहुत नजदीक है ना पैदल पैदल चलना पड़ता और ज्यादा आप तो कहते हो गोदी में आ जाओ मैंने कब कहा गोदी में आ जाओ तो अभी गाइस दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोगों का खाना आ गया है यहाँ पे फिलहाल तो हम खाना खाते हैं उसके बाद फिर मैं लूंगी दवाई पीछे से हम बम दिखाते हैं कौन मेरे दादा उमा आप मेरा नाम लिख रहे हो क्या धदवा ये कौन खाएगा हैं धदवा ये कौन खाएगा यो ये फेंकी है यहाँ पटपोरे पट पर इसमें इन्हें पट पट पटोर दिया अपने हाथ हाँ आपको खाना नहीं आता है क्या तू बड़ा खा लेती है अमा खा ला खाई कर जाना है हाँ खाया तभी तो दवाई असर करा कोई जा भत्ता जमा ठहरता है खूब दूध दही खाए करिए ना कल पाले एक और बार ए चीजी बात तो ये फूल बात तो 4-5 साल हो यहाँ कटहल के बीज छिले जा रहे हैं कटहल के बीज ही हुए ना तो चाय काम कर जा रहे हो ले तो मेरे इसमें डाल लो ये वो ले चाय हरम में पार्ट चाल तो खून बढ़ो इससे कितने बार बोल दिया है वही तो अभी इसको पता नहीं है ना अभी बाद में पता चलेगा कितने मीठे से क्या क्या होगा मिठो है वो मिठो बहुत ही है ना यो चाहा तो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आज कटहल के दाने की सब्जी बना रही हूँ पता नहीं कैसी बनी है इस मैं से तो लग रहा था कि जल गई है अब देखो जब कुकर खुलेगा तभी पता चलेगा आपने ये दिव्यांशी के हाथ से खुशबू नहीं सुनी क्या लगाया आपने मैंने ये इसमें अदरक पानी में नमकीन डालती है, है? तो ऐसे खाती पीती है हमेशा का इसका शाम का अच्छा इसको ठंडा करने तो फिर पीऊंगी मैं दिखा के ओके आपके लिए कौन बनाता है अदरक पानी बड़े पापा बड़े पापा बनाते हैं अरे वाह आपके तो मजे हैं आपके लिए तो बड़े पापा बनाते हैं यार नमकीन कौन से वाले बड़े पापा अंबिका मम्मा वाले नाम रखेगा सब अंबिका मम्मा वाले बड़े पापा और वो वहाँ वाले बड़े पापा का नाम क्या है मुन्नी मम्मा वाले बड़े पापा अच्छा और आपके पापा का नाम मम्मी वाले पापा मम्मी वाले पापा यहाँ पे दिव्यांशी का पिया जा रहा है अदरक पानी और अभी अदरक पानी गर्म हो रखा है तो ये अदरक पानी को ठंडा कर दिया दिव्यांशी अदरक पानी में नमकीन डाल के खाती है ये देखो ये तो है हाँ देखो ऐसे पीती है दिव्यांशी एक बार दिखा इसमें हाँ ये देखो कैसा हो रहा है यम्मी यम्मी बोलो फिर क्या बोल रहे हो पता नहीं मैंने बोला यम्मी यम्मी हो रहा है अच्छा हो रहा है पता नहीं क्या बोल रहे हो तो अभी दिव्यांशी मुझे अपने घर पे ले जा रही है बाइक सिखाने के लिए एक बार मैं मेरी तरफ से चाबी मार के लेके आती हूँ आप अपनी बाइक भी सिखाना मुझे ओके तुमने हाथ पे क्या लेके आ रहे हो दिव्यांशी यहाँ पे चंदन लेके आई है मंदिर से भी मुझे लगाने में लगी है आहा थैंक यू बेटा खुद को भी लगा दो वाह बोलिए मैं स्कूटी नीचे उठा तो मैं आपको सिखाऊंगी हाँ मुझे सिखाओगी स्कूटी हाँ ये लो ऐसे इसमें ऐसे बैठो ऐसे चाबी लगाओ चलो तो गाइस बाइक सीख के मैं आ गई हूँ थोड़ी बहुत तो आई हुई है मुझे कुछ नहीं आया है अभी और जो भी आया था वो सब भूल गई है तो। जो ट्रेनर है ना ये मुझे इतना ज्यादा डांट रहा था ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं डांटता है तभी बेटा सीखा भी जाता है अगर तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी ना तो सीरियस होगी तो गाइस अभी 8 बज चुके हैं और मैंने जो सब्जी चढ़ाई थी कटहल की तो यहाँ पे वो जल चुकी है ये बस इतनी बची है तो हम लोग खाना वाना खा के हाँ अभी सोने की तैयारी कहाँ करते हैं तो खाना ना खा लिया है अब थोड़ी देर वीडियो एडिट करते हैं जितना हो सकता है अभी करेंगे
बाकी सुबह करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।